हेलो, वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो फेब मंथ का अपना करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे। अब तक जो अपना जनवरी का करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज जो है फेब के अंदर क्या क्या नई सूचनाएं रही है, इन्फॉर्मेशन रही है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, एक बार देखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि जो बिल्कुल ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे अपॉइंटमेंट को लेकर या कोई अवार्ड को लेकर, वो मैंने नोट्स के अंदर प्रोवाइड करवा दिए चीज़ें आपको। लेकिन उसके अलावा जो मेरे को लगता है कि हाँ, इस करंट अफेयर को हरियाणा वाले को मेरे को डिस्कस करना चाहिए, वो मैं आप लोगों का कंप्लीट डिटेल के अंदर कराऊंगा। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग हरियाणा जो फरवरी महीने का करंट अफेयर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहली न्यूज़ जो है आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र। अब आपको मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पिछले कुछ महीने में आप देखते हो तो हरियाणा सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में या एग्रीकल्चर के क्षेत्र के अंदर काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो यहाँ पर क्या है कि आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। और ये सेटअप होगा कहाँ पर, ये अंबाला कैंट के अंदर, 30 करोड़ की कॉस्ट के ऊपर। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, तो ये जो विज्ञान केंद्र है, विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर जो नए नए इनोवेशंस है, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे वो आप बात करो एग्रीकल्चर को लेकर जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर हो, चाहे वो बायोटेक को लेकर हो, नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, तो ये एक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये अंबाला के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? नुकसान तो खैर होगा नहीं, फ़ायदा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि टेक्नोलॉजी के अंदर आज का जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी की चीज़ को देखते हुए अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर डेवलप होगा। और उससे क्या होगा कि हमारे जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे किससे, इस जो सेंटर है विज्ञान केंद्र है उससे। और इस विज्ञान केंद्र के अंदर खास तौर पर बात की जाएगी किसके, स्पेस के अंदर जो नए नए डेवलपमेंट हुए हैं पिछले कुछ साल के अंदर, चाहे वो मंगलयान हो चाहे वो चंद्रयान हो, उनको लेकर कुछ बातें की गई है, उस डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पर फाइनलाइज किए गए हैं। अब अगर इस विज्ञान केंद्र की अगर हम लोग बात करें तो इसको 4 मंजिला विज्ञान केंद्र बनाया गया है, और जिसके अंदर अलग अलग जो अवार्ड्स वगैरह है, जो गैलेंट्रीज है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। स्पेस साइंस को लेकर यहाँ पर 3D ऑडिटोरियम होगा, यहाँ पर 260 डिग्री एंगल का एक जो है पूरी आपको गैलरी शो की जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हो जो अर्थ है हमारी, जो रॉकेट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब बात करते हैं ना कार्टोसैट की, तो कार्टोसैट एक ऐसा मानचित्रण है जिसके अंदर अर्थ सरफेस पर जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं उसकी जानकारी दी जाती है। तो इसकी तर्ज पर यहाँ पर जो कार्टोसैट्स हुआ, रॉकेट्स हुआ, टाइप ऑफ सेटेलाइट हुआ, जैसे SLV, ASLV, PSLV, GSLV, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी ताकि हम वहाँ पर विजिट करें और स्पेस साइंस के अंदर हम लोग जानकारी पा सकें। एक तो हमारी जानकारी बढ़ेगी वहाँ पर, और दूसरा क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर कि हम लोग कहीं ना कहीं साइंस के प्रति अट्रैक्ट होंगे। अभी हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लेकिन साइंस के अंदर भी हम लोग अट्रैक्ट होंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो टेक्नोलॉजी को लेकर साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर होगी, साइंस के डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र इस्टेब्लिश होगा कहाँ पर, अंबाला के अंदर। अब चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। अब हरियाणा के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पिछले कुछ साल के अंदर हरियाणा की जो बेटियाँ है वो काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है, और उसी तर्ज के ऊपर यहाँ पर एक नाम और दर्ज कराया है किसने, जींद की जो मनिका श्योकंद है उन्होंने। और कहा जाता है इन्होंने जब अपनी स्पीच दी तो कहा कि इन्होंने, मैंने 3M के अंदर अपना नाम कर लिया है। 3M का मतलब ये तीसरी मतलब मनिका, महिला के क्षेत्र के अंदर मनिका M नाम से तीसरी है। अब क्या है इसके अंदर, तो इनको अवार्ड मिला है कौन सा, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का अवार्ड, जो कि जींद जिले से बिलोंग करती है, और ये अवार्ड 2021 में दिया गया था, तो इसलिए 2021 अवार्ड दिया गया। अब इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने क्या किया है, सरकार की एक योजना है जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। इस योजना के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करूँगा। इससे पहले आप लोग देख सकते हो 2017 के अंदर मानुषी छिल्लर ने अवार्ड जीता था। उसके बाद आप देखोगे आगे चलकर मीनाक्षी चौधरी का नाम आता है यहाँ पर। फिर तीसरा नाम किसका आया, मनिका श्योकंद का।
जब इन्होंने ये जो अवार्ड जीता मिस ग्रैंड इंडिया अवार्ड, तो मानुषी छिल्लर को उस टाइम पे अनेमिया का ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा का बनाया गया और इनको मेरा पानी मेरी विरासत हरियाणा की जो योजना है उसका ग्रैंड ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब ये ग्रैंड अवार्ड जो है इन्होंने जीता है। अब थोड़ा सा आपको है ना, एक तो नाम तो आपको याद रखना ही है, दूसरा ये कहाँ से बिलोंग करती है, जीन से, तीसरा आपको ध्यान रखना है कि ये मेरा पानी मेरी विरासत क्या है योजना। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, कुछ समय से अगर आप लोग देखोगे तो हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग धान की फसल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बजट और इकोनॉमी सर्वे में भी बताया कि गेहूं को छोड़कर हम लोग धान की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जब धान की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, धान की तरफ ज़्यादा फोकस करने की वजह से एक चीज़ निकल कर आ रही है, जो फसलों के अंदर विविधीकरण होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो हर साल प्रत्येक साल 1 मीटर नीचे होता जा रहा है, भूजल स्तर लगातार घटते जा रहा है। और जब ये ग्राउंड वाटर लेवल घटते जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं फसलों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस मेरा पानी मेरी विरासत के अंदर ये कहा गया है कि हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को, आगे आने वाली जो अपनी पीढ़ियाँ हैं उनको भी पानी उपलब्ध कराना है, भूजल उनके पास भी होना चाहिए। इसलिए 1 लाख हेक्टेयर भूमि यहाँ पर क्या है, उसमें लगभग हम क्या करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे फसलों का। मक्का हुआ, धान हुआ, या फिर अलग अलग फसलें हुई, पल्सेस वगैरह हुई, दालें वगैरह हुई, उसको लेकर यहाँ पर बातें होगी। तो ये जो अलग अलग फसलें अपनी होगी, तो इन अलग अलग फसलों के अंदर यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि अगर हम अलग अलग फसलें उगाते हैं तो उससे विविधता बढ़ेगी, और विविधता बढ़ेगी तो ज़मीन की उत्पादकता कहीं ना कहीं बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो, और दूसरा हमारा क्या होगा, जो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो 1 लाख हेक्टेयर भूमि को यहाँ पर जो है टारगेट किया गया है, और उसमें ये भी कहा गया है कि जो अपने 8 खंड है जिसके अंदर रतिया आता है, आपका सीवन का क्षेत्र आता है, बैबन आता है, इस्माइलबाद आता है, तो ये सारे के सारे 8 खंड जो है, ये नोट्स में आपको सबके नाम मिल जाएंगे, इन 8 ब्लॉक्स को, 8 खंड को, अलग अलग को यहाँ पर क्या किया गया, टारगेट किया गया कि उनके 50% क्षेत्र के अंदर विविधीकरण होना चाहिए। तो ज़रूरी है कि इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर 50% वो फसलें होगी जो बदल बदल कर बोई जाएगी। तो यही है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। तो इसे क्या लाभ होगा, एक तो उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर के अंदर, किसान इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा उत्साहित होगा, प्रोत्साहित होगा ज़्यादा फसलों के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखी गई है। अब इनको क्यों चुना गया इसका, तो अगर मैं इनकी मनिका शोकन की थोड़ी रुचि की बात करूँ, इंटरेस्ट की बात करूँ, तो इनका इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों में ही है, जैसे सैनिटरी वगैरह के अंदर इनका इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर के अंदर इनका इंटरेस्ट है। तो इनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अगली न्यूज़ जो है, अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये न्यूज़ 2 बार आज आपको दिखाई देगी। एक तो दर्शन लाल जैन जी जो है उनका फरवरी महीने में देहांत हुआ है, उनसे रिलेटेड है, और दूसरा क्या है, सरस्वती रिवर है, वो दोनों एक ही है, कहीं ना कहीं हम उसको अलग देख लेंगे। तो हरियाणा ने लॉन्च किया है रिवाइवल ऑफ सरस्वती योजना, वहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट किया जाए, बैराज बनाए जाए, रिजर्वर बनाए जाए, कहाँ पर, आदि बद्री के अंदर। अगर आप मैप देखते हो हरियाणा का, तो यमुनानगर के अंदर स्थान है कौन सा, आदि बद्री। और पिछले कुछ सालों से हम इस यमुना नदी को लेकर काफ़ी कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। तो यमुना नगर के अंदर जो आदि बद्री जगह है, उस आदि बद्री के अंदर ये किया गया है कि पहला तो क्या है कि ये जो यमुना रिवर है, जब यमुना रीजन से फ्लो करती है तो 2 कैनाल हमने निकाली है। एक कैनाल अपनी कौन सी होती है, वेस्टर्न यमुना कैनाल, जो हरियाणा के मिड हरियाणा को सिंचित कराती है, इरिगेशन कराती है, और एक अपनी है ईस्ट कैनाल। और इस ईस्ट कैनाल के अंदर क्या है, यूपी वाला क्षेत्र आता है। यमुना रिवर जो कि अपने उत्तराखंड के अंदर यमुनोत्री ग्लेशियर से लगभग 6330 हाइट से फ्लो करती है, निकलती है, और वहाँ से निकलने के बाद हथनी कुंड बैराज यहाँ से एंटर करती है यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के बाद ये आगे की तरफ बढ़ती है, फिर जब ये आगे की तरफ बढ़ेगी तो यमुनानगर को क्रॉस करने के बाद आपका जो पूरा का पूरा क्षेत्र है
पानीपत वाला, सोनीपत वाला, करनाल वाला, ये सारा पूरा का पूरा क्षेत्र इसको, और उसका पानी जो है मिड हरियाणा तक भी जाता है। फिर उसके बाद जो अपना पलवल क्षेत्र है, पलवल फरीदाबाद का जो दक्षिणी हिस्सा है, और पलवल जो क्षेत्र है वहाँ पर हसनपुर नाम के जगह से अलग हो जाती है, हरियाणा के अंदर लगभग 350 किलोमीटर ये फ्लो करती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आदि बदरी है यहाँ पर एक रिजर्व बनाया जाए, एक डैम बनाया जाए, ताकि उस पानी को हम सिंचित कर सके, और यहाँ पर जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है, जो पश्चिमी यमुना नहर है हथनी कुंड बैराज के इस साइड, तो इसको हम लोग क्या कर सके, इरिगेशन के लिए यूज कर सके। फिर एक प्रोजेक्ट इसके अंदर ये भी रखा गया है कि इसके रिवाइवल के ऊपर जो बात चल रही है उसमें जो मारकंडा नदी है और जो सरस्वती नदी है, इन दोनों नदियों को भी इंटरलिंक किया जाए। बता देता हूँ, पूरे हरियाणा की अकेली पेरिनियल रिवर है सदाबहार नदी है कौन सी, यमुना नदी। बाकी नदियाँ तो सूखी पड़ी है, उनमें पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो उनको अगर हम इंटरलिंक करते, मारकंडा और सरस्वती में भी दिखाई देगा लेकिन कम दिखाई देगा, जब उनको इंटरलिंक करते हैं तो पूरा, अगर आप लोग देखते हो कुरुक्षेत्र का रीजन, कुरुक्षेत्र के बाद आप नीचे की तरफ आते हो मिड हरियाणा, हरियाणा का हर्ट, ये अपना जिंद वगैरह, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इनको आसानी से पानी मिल जाएगा। और इसके अलावा कुछ और प्रयास भी सरकार करेगी, जो सिरसा के अंदर ओटू बैराज बनाया गया है जहाँ से घग्गर नदी का फ्लो होता है, वहाँ पर भी कुछ छोटी छोटी नदियों को क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो यमुना नदी के बारे में मैंने पूरा हरियाणा जीके में पढ़ा रखा है, उस वीडियो को आप देखना, पूरा डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें की गई है। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने एक कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार आयोजित किया था, और उसका नाम था सरस्वती रिवर न्यू पर्सपेक्टिव एंड हेरिटेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे CM साहब ने इसकी डिक्लेरेशन दी, और ये कब हुआ, जब इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल 2021 जब बनाया गया था, ठीक है। तो इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल 2021 जब बनाया गया था तो उसके ऊपर ये बात हुई है। तो देखो, ये तो मैंने बात की थी यमुना रिवर की, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सरस्वती रिवर की, तो सरस्वती रिवर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आज के टाइम पे हरियाणा की जो सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है वो है सरस्वती रिवर। अब यमुना नदी के बारे में, रिवाइवल के बारे में मैंने जैसे पुरानी न्यूज़ बता दी, अब आता सरस्वती के बारे में, जिसको लेकर ये न्यूज़ चर्चा में रही है। तो सरस्वती नदी अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर यमुनानगर के अंदर जो आदि बद्री जगह है, और इवन आदि बद्री ही क्यों, एक जगह और है मुगलावली, उस मुगलावली क्षेत्र के अंतर्गत भी क्या हो रहा है, सरस्वती नदी का खुदाई कार्य चल रहा है। सरस्वती नदी आपको पता है जो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर है वहां से निकलती है, और सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी है। और इस सरस्वती नदी के उत्थान को लेकर हमने 2015 में सरस्वती विकास बोर्ड भी बनाया, सरस्वती डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया, जो ये जांच करता है कि सरस्वती किस क्षेत्र से प्रवाहित करती है। और दूसरा, अगर आप सरस्वती का फ्लो देखते हो तो सरस्वती के साथ कौन सी नदी आकर मिलती है आपकी, मारकंडा। और ये जो सरस्वती और मारकंडा है, एक तरफ यमुना रिवर है, ठीक है, एक तरफ सरस्वती, एक तरफ मारकंडा, एक तरफ घग्गर नदी है। तो सरस्वती और मारकंडा, मारकंडा नदी कुरुक्षेत्र के अरुणाई गांव में किससे आकर मिल जाती है, सरस्वती नदी से। जब यहाँ पर आकर मिल जाती है तो ये कहा गया कि इन दोनों रिवर को लिंक किया जाएगा, और जब लिंक किया जाएगा तो इनका पानी भी आपूर्ति कराया जाएगा। तो ये न्यूज़ मैंने दो चरणों में रखी, यमुना रिवर को लेकर बात की है, दूसरा मैंने सरस्वती को लेकर बात की है। तो अब अगला देख लेते कि जो सरस्वती हेरिटेज और डेवलपमेंट बोर्ड है वो बनाया गया था कब, 2015 के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में और जो रिसर्च है, रिवाइवल है सरस्वती के अंदर उसको लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग आदि बद्री या यमुनानगर देखते हो, ये सारी चीज़ें देखते हो, तो इनका संबंध कहीं ना कहीं आपको हरियाणा के किससे दिखाई देगा, हरियाणा के धर्म ग्रंथ से भी दिखाई देगा। माँ भारत आपको पता है कुरुक्षेत्र, और सरस्वती नदी को एक पवित्र नदी माना जाता है, और कहा जाता है कि ज़्यादातर ग्रंथ जो है, धर्म ग्रंथ जो है, वो किस नदी के किनारे लिखे गए थे, सरस्वती नदी के किनारे। महाभारत का युद्ध भी कहा जाता है कि डायरेक्टली तो हम नहीं बोल सकते कि वो जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, या तो वहाँ पर मारकंडा नदी का फ्लो होता था यहाँ, या वहाँ पर किस नदी का, सरस्वती नदी का। तो इस वजह से यहाँ पर एक कल्चरल हेरिटेज भी डेवलप होता है, और वो डेवलपमेंट बोर्ड ही हमने बना रखा है किसके लिए, सरस्वती के लिए, कब, 2015 के लिए। सेम हमने यमुना बोर्ड भी बना रखा है,
ठीक है। तो ये कुछ अपनी न्यूज रही है सरस्वती और यमुना रिवर के बारे में, ठीक है। अगली न्यूज जो है वो सिर्फ अपॉइंटमेंट को लेकर है, खास चीज इसके अंदर है नहीं, इसका स्टैटिक वाला पोर्शन आप वहां से देख लेना। आर के पसनंदा, तो इनको जो है अभी हाल फिलहाल में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इनका क्या किया, डिक्लेयर किया गया चेयरमैन। और ये उस टाइम पे रिटायर हुए थे किस पोस्ट पे, जो HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 के अंदर हुई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन और स्टेट लेवल का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वो इसी के अंदर आता है। तो जब इनकी रिटायरमेंट हुई तो रिटायरमेंट के बाद इनको किसका चेयरमैन बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया इनको हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा का पहला गांव जो इलेक्ट्रिफाइड हुआ और 1970 के अंदर ये डिक्लेयर किया कि हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, वो था 1970 के अंदर बिनोला गांव। और यहां पर 24 घंटे बिजली की बात की गई लास्ट हरियाणा करंट अफेयर के अंदर जनवरी महीने में, मैंने आपको कराया था। तो ये है ना, पता आपको क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखनी है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई तो आसपास की चीज़ें देख लो। अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हुई, कितने मेंबर है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे करता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको करा रखी है, ठीक है। तो ये आर के पचनंदा जी को बनाया गया इनका चेयरमैन। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो थी भीमराव अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना। ये न्यूज़ में रही है, क्यों न्यूज़ में रही है, देखो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई देगा 80,000। इसको इंक्रीज किया था, मतलब अभी 80,000 है, कितना इंक्रीज किया था फरवरी महीने में, ये पहले 50,000 था और 50,000 से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया, 80,000। क्या है ये, नाम से ही पता चल रहा है, भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरण योजना। मतलब हरियाणा के अंदर या तो अगर कोई समूह SC है या फिर वो समूह डिनोटेड ट्राइब है या विमुक्त जाति है, इनमें से कोई भी एक है और वो पिछले 10 साल से अगर हरियाणा में रह रहे हैं, 10 साल से हरियाणा में उनका घर है और उस घर का नवीनीकरण करना है, तो ऐसे लोग को सरकार क्या देगी, ग्रांट देगी, फंड देगी किरने का। पहले 50,000 का दिया जाता था, अब कितने का दिया जा रहा है, 80,000 का। तो हरियाणा के अंदर ST तो है नहीं, विमुक्त जाति है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में SC है और हरियाणा के अंदर क्या है, डिनोटेड ट्राइब्स है। तो ऐसे लोग को जो है 50,000 के बजाय अब 80,000 का दिया जाएगा। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कहाँ अप्लाई करना होगा और कैसे फंड मिलेगा, वो सारी चीज़ें, तो एक पोर्टल है हरियाणा का सरल हरियाणा .gov.in। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस पोर्टल के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो सरल हरियाणा .gov.in ये हरियाणा सरकार का पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन के बारे में हम लोग बताएंगे। अब एक बार अगर आपने यहाँ से आपने क्या है अगर लिया है फंड 80,000 रुपये का, तो दूसरे किसी डिपार्टमेंट से आप नहीं ले सकते ग्रांट या फंड। तो आवास जो है आपका मकान जो है उसको नवीनीकरण नवीन बनाने की बात की है। और ऐसे लोग जो किसके अंदर आते हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे की तरफ आते हैं, गरीबी रेखा के अंदर जाति नहीं देखी जाती, लेकिन इस अम्बेडकर योजना के अंदर, आवास नवीकरण योजना के अंदर ये चीज़ देखी गई है, एक तो गरीबी रेखा से नीचा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन और भी आएगी जैसे 10 साल वाला है, फिर ये भी देखा जाएगा कि उसका घर जो है वो रिपेयर होना चाहिए, मतलब ऐसा हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठीक घर बनाओ और सरकार से पैसा ले लो आप। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर ये देखी गई है कि आपको कितने का फंड, 80,000 का फंड मिलेगा और यहाँ पर आप इस कास्ट से बिलोंग करते हुए होने चाहिए। तो देखते एक बार क्या क्या कुछ कंडीशन लगी हुई है। तो पहली टर्म एंड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो पहली कंडीशन होगी, मैंने आपको बताया शेड्यूल कास्ट, क्योंकि हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब नहीं है, दूसरा है विमुक्त और टपरीवा जाति, ये हरियाणा स्टेट की होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए उनके पास हरियाणा का। दूसरा जो है जो एप्लीकेंट होगा उसका नाम जो है वो पॉवर्टी लाइन से में नीचे में आना चाहिए, मतलब उसका BPL कार्ड बना हुआ होना चाहिए अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ। तीसरा क्या है कि 10 साल या उससे ज़्यादा हो गए हो और उसका मकान रिपेयरेबल हो, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति उसको मकान बनाए हुए 10 साल या उससे ज़्यादा हो गए, कम से कम 10 साल होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि आपने 2 साल पहले मकान बनाए और कहो कि मेरा मकान जर्जर हो गया, सरकार मेरे को पैसा दे, नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। और
अगर ये ग्रांट आपको मिलता है तो हरियाणा के किसी भी डिपार्टमेंट से आप कोई ग्रांट नहीं ले सकते। ये इस योजना के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज कर देगा कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो अभी मैंने जैसे बात की है सरस्वती नदी के बारे में, यमुना रिवर के बारे में, तो सरस्वती नदी के रिवाइवल को लेकर जो इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल था वहाँ पर बात की गई, कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उससे पहले यमुना नगर को लेकर बात हुई। तो दर्शन लाल जैन जी है, ये दो तीन चीज़ों की वजह से जाने जाते हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बताया जाता है उसके अंदर। मैंने वहाँ पर भी बताई बात की थी, दर्शन लाल जैन जी जो है पहला कंट्रीब्यूशन इनका वुमेन एजुकेशन के अंदर माना जाता है, बच्चियों और ख़ासकर बच्चियों को लेकर। दूसरा पहला एजुकेशन को लेकर माना जाता है, दूसरा माना जाता है इनका कंट्रीब्यूशन कि जो सरस्वती रिवर है, सरस्वती रिवर के रिवाइवल को लेकर। तो अभी इन भाई साहब की जो है फेब महीने के अंदर डेथ हो गई है, 8 फरवरी 2021 को, और इनको हरियाणा के अंदर रिवाइवल ऑफ सरस्वती रिवर के रूप में भी जाना जाता है। तो दर्शन लाल जैन जी आपको ध्यान रखना है, और हरियाणा का जो थर्ड सबसे बड़ा अवार्ड है पद्म भूषण, ये इस अवार्ड से भी ये नवाजे जा चुके हैं। तो सरस्वती रिवर को लेकर फरवरी में दो न्यूज़ थी, दोनों इम्पोर्टेंट है, नाम पूछ लेगा आपसे डायरेक्टली कि सरस्वती रिवाइवल को लेकर किस ने जो है काफ़ी प्रयास किया था, तो आप इनका नाम याद रखना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब ये जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 106 नई पंचायत, आपको पता है कि 2021 के अंदर 1 जनवरी 2021 से हरियाणा के अंदर नए इलेक्टोरल रोल, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं, कोरोना का टाइम पीरियड था तो उस कोरोना के टाइम पीरियड को देखते हुए सरकार ने वो चीज आगे बढ़ा दी है, वरना अप्रैल मंथ के अंदर हरियाणा के अंदर इलेक्शन होने थे, और जब इलेक्शन होने थे तो उसके लिए न्यू इलेक्टोरल रोल, न्यू पंचायत ये डिक्लेयर की गई, डेलीमेशन हुआ, यहाँ पर कुछ पंचायत को मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, कर्व कर दिया गया, कुछ को हटा दिया गया और कुछ के अंदर नई पंचायतें बना दी गई। तो एक होता ग्राम पंचायत और एक होता गांव, तो आप दोनों में फ़र्क होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कई जगह पर जैसे आप अपने आसपास भी देखते हो तो ये एक गाँव है, इस गांव में मान लेते हैं कि 100 वोटर्स है, सिर्फ 100 वोटर्स है। अब सरकार को पता है कि इन 100 वोटर्स के लिए अगर इन 100 वोटर के लिए सरकार को पता है कि अगर इन 100 वोटर्स के लिए हम लोग इलेक्शन कराते हैं तो सरकार का बड़ा खर्चा आ जाता है। तो पंचायत लेवल पर क्या कर दिया जाता है, इन 100 वोटर को पास की पंचायत के अंदर मिला दिया जाता है। हरियाणा के अंदर बहुत सारी ढाणियां हैं, कुल गांव जो है 6846 के अराउंड है, और ये जो ढाणियां हैं उसके अंदर बहुत कम वोटर्स होते हैं, 50 वोटर, 80 वोटर, इनको क्या कर दिया जाता है कि नज़दीक के गाँव के अंदर मिला दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, सरकार का खर्चा बच जाता है और जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से हो पाता है वहाँ पर। या फिर आप देखो कि अगर पंचायत बनेगी तो पंच होगा, सरपंच होगा, और उसके लिए सरकार को वहाँ पर CISF, CRPF उनको लगाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन उसके लिए अलग से सूचना जारी करेगा, तो इसके लिए पंचायत को मिला दिया जाता है। तो जनवरी 2021 के अंदर डेलीमेशन हुआ, नए इलेक्टोरल रोल बनाए गए और फैब के अंदर 106 नई पंचायत को नोटिफाइड किया गया। अब वो कैसे कैसे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसा किया गया, और इसकी वजह से ये जो 106 है तो आप देखते हो, तो इसकी वजह से 6205, ये गवर्नमेंट डेटा है भाई, 6205 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 6311, मतलब इससे पहले हमारे पास ग्राम पंचायत की संख्या 6205 थी, अब कितनी हो गई, 6311, ठीक है। अब और गांव की अगर आपसे बात करेगी हरियाणा के अंदर गांव की संख्या की अगर वो बात करे तो आपको ध्यान रखना है 6846 है, ग्राम पंचायत की बात करता है तो 6311 है, नया डेटा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया गया है कि 11 नई पंचायत कहां पर, करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर, दूसरा 7 नई पंचायत भिवानी के अंदर, रेवाड़ी के अंदर और पंचकुला के अंदर, 6 नई पंचायत बनेगी कहां पर, सोनीपत के अंदर, 4 रोहतक
और कहाँ पर, गुरुग्राम में और महेंद्रगढ़ में, और तीन तीन जो नई पंचायत वो अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पानीपत में, दो दो कहाँ पर सिरसा और पलवल के अंदर। तो थोड़ा सा डेटा आपको याद रखना है, ये रटने नहीं बन जाता है, बैठ जाना है कि कौन सी पंचायत कहाँ पर बन रही है, इस पंचायत का नाम क्या है, वो नहीं रखना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत कितनी हुई है, पहले कितनी थी और अब कितनी है। आपको पता है कि हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ पंचायती राज के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंपलसरी कर रखा है। पहला स्टेट कौन था? पहला स्टेट था राजस्थान। राजस्थान के एक साल के बाद ही 2015 के अंदर राजस्थान, हरियाणा ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट पास किया और उस एक्ट के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पर क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, और एक केस भी आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस केस था हरियाणा के अंदर, राजवाला करके ऐसा कुछ केस था जिसमें चैलेंज किया गया था कि पंचायती राज के अंदर, पंचायती राज इंस्टीट्यूट के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो उनका कहना ये था कि अगर आप पंचायती राज में एजुकेशन इंस्टीट्यूट कर रहे हो पंच सरपंच के लिए, तो आप एमपी एमएलए के लिए भी करो। तो कोर्ट ने फिर ये कहकर ठुकरा दिया था कि अगर कोई राज्य अच्छा कदम उठाता है तो हमें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब ये न्यूज़ हरियाणा के जो सीएम है उनकी मुलाकात हुई स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर के साथ, मुलाकात हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जब उनकी मुलाकात हुई तो क्या क्या, देखो स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और फेमस है, इसकी कैपिटल बर्न और सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है इनकी जिनेवा, और जिनेवा आपको पता है किसके लिए, यहाँ पर जिनेवा कॉन्फ्रेंस इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग पढ़ते हो। अब स्विट्जरलैंड की अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा के सीएम ने मुलाकात की और रॉफ हेकनर, ये उनका नाम था, या नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर एग्रीमेंट हुआ, एक्सपर्टाइज को लेकर, एक तो हुआ स्किल ट्रेनिंग को लेकर, दूसरा टूरिज्म को लेकर, डेयरिंग को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर, और इसके अलावा क्या हुआ, एमओयू साइन किया गया टीचर स्टूडेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, जिसकी वजह से हरियाणा के कल्चर को ज़्यादा स्ट्रोंग बनाया जा सके, हरियाणा को टूरिज्म के अंदर बढ़ावा दिया जा सके। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के मामले में काफ़ी टॉप में आता है अगर हम लोग बात करें तो। हरियाणा के अंदर अगर ऐसे कल्चरल सेंटर खोले गए, टूरिज्म सेंटर खोले गए, तो हरियाणा के स्टूडेंट ये सब जो है वो यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, और ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पर एक नया टूरिज्म हब डेवलपमेंट होगा। फिर दूसरा अगर आप लोग देखते हो तो हम दो चीज़ों के अंदर जाने जाते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर और डेयरी के अंदर। तो इन दो चीज़ों की वजह से, एग्रीकल्चर और डेयरी के वजह से, यहाँ पर ये कहा गया है कि डेयरी के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हम उसको एक्सपोर्ट करते वर्ल्ड लेवल पर, और अब हमें जो है स्विट्जरलैंड की भी मार्केट मिलेगी, तो उससे क्या होगा कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं और बड़े लेवल पर फैलेंगे। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, टूरिज्म को लेकर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी है। दूसरा अगर आप लोग देखते हो यहाँ पर कि जो नेस्ले कंपनी है, आपको पता है कि नेस्ले की कॉफ़ी काफ़ी फेमस है, और ये जो नेस्ले कंपनी है ये पहले से अपने कहाँ पर चल रही है, गुरुग्राम के अंदर इसकी ब्रांच चल रही है, हेड ऑफिस चल रही है, और स्विट्जरलैंड स्विस कंपनी जो है गुरुग्राम के अंदर और काफ़ी हरियाणा के काफ़ी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लगभग आप लोग देखते हो यहाँ पर डेटा तो 16,600 लोगों को क्या दे रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। सीधी सी बात हुई यार, एक विदेशी कंपनी लगती है यहाँ पर इस जगह के ऊपर, ये जो विदेशी कंपनी है यहाँ पर प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर काम करने के लिए लोग आएंगे, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इन स्वीडिश कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 16,500 हरियाणा के लोग ऐसी कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं। और दूसरा आप लोग देखते हो तो 8.5 मिलियन, जो कि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, यहाँ पर लगा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, इन सब की वजह से लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं आसपास के स्टेट वाले भी अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, हरियाणा की तरफ। तो ये कुछ चीज़ें आपको स्विस कंपनी इनके बारे में दिखाई देगी। अगला जो है, हरियाणा सरकार ने सेटअप किया है किसान कल्याण प्राधिकरण। ठीक है, देखो क्या करना है, किसानों का कल्याण करना है, किसान कल्याण प्राधिकरण इस नाम से जाना जा रहा है। इसका एक ही मकसद है, क्या, इस प्राधिकरण का मेन मकसद होगा
कि जो फार्म है हमारे फार्मर्स है उनकी इनकम को बढ़ाना, फार्म प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर। तो ये जो किसान कल्याण प्राधिकरण है ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, फार्मर्स की इनकम को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, दूसरा जो प्रोडक्टिविटी है उनको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस प्राधिकरण ऐसी चीज़ों से जुड़े और उनकी इनकम जनरेट हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की तरफ प्रभावित हो। अगर बात करें तो ये क्या है कि आज का जो अपना किसान है, फार्मर है, उसके पास कुछ चीज़ों का अभाव है। जैसे वो खेती तो कर रहा है लेकिन पुराने तरीकों से कर रहा है, वो एग्रीकल्चर के अंदर नई नई स्कीम्स तो समझ पा रहा है लेकिन लागू करने में देरी कर रहा है। तो ऐसे किसान को साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इनोवेशन किए जाए, दिए जाए, ऐसी जानकारी उनको दी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया था सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम की वजह से करनाल के काफ़ी किसानों को फ़ायदा हुआ और उनका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो काफ़ी बढ़ा है। तो फील्ड के अंदर, खेत के अंदर जहाँ पर किसान खेती करता है वहाँ पर अगर कोई साइंटिफिक इनोवेशन होता है तो किसानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये प्राधिकरण यहाँ पर जो है खोला गया है। और अगर हम लोग बात करें तो इस प्राधिकरण का, इस अथॉरिटी का जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, हरियाणा का सीएम। और जो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है, जो कृषि मंत्री है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, वो इसका क्या होगा, एक्स ऑफिशियो होगा वाइस चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि वो एक मंत्री तो है ही है, उसके अलावा इस प्राधिकरण का क्या है, चेयरमैन है। तो वाइस चेयरमैन है। तो ध्यान रखना चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन अपना होगा अपने सीएम साहब, और वाइस चेयरमैन कौन होगा, अपना जो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है वो, ठीक है। मेन काम क्या होगा, फार्मर की इनकम को बढ़ाना, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगली न्यूज देखते हैं। अभी क्या है कि जो हरियाणा कला परिषद है, जो कला को बढ़ावा देती है, उसके अंदर जैसे अगर मैं बात करूँ तो गजेंद्र फोगाट जो अपने हरियाणवी सिंगर है, आपने उनका एक काफ़ी फेमस गाना भी सुना होगा जो गुड्डू रंगीला मूवी के अंदर आया था, कल रात मैया का मुझे ईमेल आया, वहाँ से वो फेमस हुए थे। हरियाणा कला परिषद का उनको मेंबर भी बनाया गया और हरियाणा की कला को बढ़ावा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे हरियाणा में अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आज का समय अगर आप लोग देखते हो तो कुछ एक दो ही आपको ऐसे दिखाई देंगे जो हरियाणा की कला को वाकई में बढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ तो एक ऐसे कुछ भी गाने बना देते हैं और बस हिट हो जाते हैं। तो हरियाणा कला परिषद के अंदर, और उनको आगे मार्च महीने में जब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो गजेंद्र फोगाट को जो अवार्ड मिला उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो इन्होंने, इन सब ने, एक दो कलाकार और थे, इन्होंने मुलाकात की किससे, हरियाणा के सीएम साहब से, और उन्होंने कहा कि जो पटियाला के अंदर जो कला परिषद केंद्र है उसको शिफ्ट किया जाए कहाँ पर, हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के अंदर भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक न्यूज़ हो रही है कि हरियाणा कला परिषद जो है वो चंडीगढ़ टू मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर यहाँ पर क्या हो, कुरुक्षेत्र के अंदर शिफ्ट हो। तो एक तो क्या है कि हरियाणा कला परिषद जो नॉर्थ जोनल सेंटर है और एक है मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर, ये दोनों अलग अलग है ध्यान रखना। तो एक में बात हुई कि उसको शिफ्ट किया जाए कहाँ से, पटियाला से हरियाणा की तरफ। अब आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा अलग हो गए हैं, लेकिन जो शुरुआत से चला आ रहा कला केंद्र है वो पटियाला है। अब हमारे हरियाणा के इन कलाकारों का ये कहना है कि चंडीगढ़ में भी अगर हम लोग रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम कला को बढ़ावा नहीं दे पा रहे, तो उसको शिफ्ट कर दो कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस कला केंद्र के अंदर पंजाब की कला संस्कृति भी दिखाई देती है और हरियाणा की भी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो ये कहा गया कि उसको शिफ्ट किया जाए इस कल्चर सेंटर को हरियाणा के अंदर, और जब हरियाणा में शिफ्ट करेंगे तो हरियाणा की प्रतिभा उभर कर आएगी, हम अपनी संस्कृति से ज़्यादा लगाव रख पाएंगे। तो शिफ्टिंग की बात चल रही है, तो ध्यान रखना दो चीज़ों की शिफ्टिंग की बात हुई है, एक तो हरियाणा कला परिषद है उसको पटियाला से कहाँ पर,
हरियाणा के अंदर, पंजाब से हरियाणा, और नॉर्थ जोनल सेंटर जो है एक मल्टी आर्ट MACC जो सेंटर है, मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, उसको चंडीगढ़ से कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये दो चीज़ें न्यूज़ के अंदर रही है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगली जो न्यूज़ है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अब बता देता हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है जो गुड़गांव का जो दौलताबाद क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के MLA है राकेश दौलताबाद, उनका नाम ही है राकेश दौलताबाद। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा और निर्विरोध ये चुने गए थे, किसी पार्टी से नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपना समर्थन दिया है किसको, BJP को। तो राकेश दौलताबाद ने सरकार के सामने एक प्रपोजल रखा और प्रपोजल सरकार ने माना, और उस प्रपोजल को मानते हुए जो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है यहाँ पर क्या होगा, एक एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनेगा जिसको एग्रीप्रेन्योरशिप भी कहा जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्राइजेस को लेकर, उद्योग को लेकर है। एग्रीप्रेन्योरशिप का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब होगा एग्रीकल्चर के अंदर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कहाँ पर बनेगा, ये दौलताबाद के अंदर। तो हरियाणा का इस तरीके का पहला इंस्टीट्यूट होगा ये, जिसमें एग्रीकल्चर के अंदर क्या आएगा, मैनेजमेंट आएगा। तो क्या होगा कि जो किसान है वो एग्रीकल्चर कर रहा है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ मार्केट तक रख पाता है, आगे नहीं ले जा सकता। जब वो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ मार्केट तक रख पाता है तो उसका सीधा सीधा ये चीज़ निकल कर आई कि अगर हम उसको मैनेजमेंट की चीज़ें भी सिखाए तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर से भी शिफ्ट होगा किसकी तरफ, मैनेजमेंट की तरफ। और जब मैनेजमेंट वो सीख जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एग्रीप्रेन्योरशिप बन जाएगा, एक नई टर्म दिखाई दी है यहाँ पर। और ये इस तरीके का पहला एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट होगा, उसमें एग्रीकल्चर के कोर्सेज होंगे, आपको मैनेजमेंट भी सिखाई जाएगी। तो राकेश दौलताबाद, जिस दौलताबाद उनका गाँव है, उस दौलताबाद के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। और कहा जाता है कि जो हिसार के अंदर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उस हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर जमीन लीज पर लिए, मतलब पैसा लीज पर है, वो उसको कंस्ट्रक्ट करा रहा है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके की न्यूज़ ये आपको ध्यान रखनी है। अगली न्यूज़, ये तो कुछ नहीं है, फैक्चुअल न्यूज़ है, इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकता, लेकिन आपको ध्यान रखना है 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर स्टार्ट हुई, पंचकुला के अंदर। वुमेन्स और मेन्स को लेकर, टेबल टेनिस को लेकर ये चैम्पियनशिप थी, जो कि 8 से 13 फरवरी के आसपास स्टार्ट हुई पंचकुला के अंदर, सेक्टर 3 जो है वहाँ पर। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हाँ, ये 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप थी, बस। अगली न्यूज़ जो है वो काफ़ी न्यूज़ चर्चा में है, और एक योजना है, एक स्कीम है, जिसका नाम है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। ऐसा किसान जो प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेसिव किसान, इस योजना के अंदर देखो क्या है। देखो, हम अभी क्या था कि जब 3 नए कृषि बिल आए तो किसानों ने बड़ा विरोध किया, हरियाणा के किसानों ने खासकर बड़े लेवल पर विरोध किया। जब विरोध किया तो सरकार ने देखा कि इस विरोध को भी किसी तरीके से, फार्मर हमारे नाखुश है, और जब नाखुश है हमसे तो कुछ हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं उनके लिए कुछ करना है हमें अपनी तरफ से, ताकि उनको बढ़ावा मिले, ताकि सरकार से इतने नाखुश ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना जारी की 5 मंथ के अंदर। प्रगतिशील किसान योजना के अंदर हमने ये कहा कि ऐसा कोई भी किसान जिसके पास 5 एकड़ से लेके कितने एकड़ तक की ज़मीन है, 10 एकड़ तक की ज़मीन है, और उसने एग्रीकल्चर के अंदर प्रगति की है, तो ऐसे किसान को हम प्राइज देंगे, अवार्ड देंगे। और कैसा अवार्ड देंगे, फर्स्ट अवार्ड होगा, सेकंड अवार्ड होगा, थर्ड अवार्ड होगा, और उसके अलावा भी कुछ देंगे, और उनको कैश प्राइज दिया जाएगा। हम ऐसे किसानों को देंगे, देखेंगे जिन्होंने वाकई में एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी प्रगति की है, चाहे वो साइंटिफिक इनोवेशन के माध्यम से हो, अलग अलग फसलों को उगाने को लेकर हो, या फिर उन्होंने ऐसी खेती की है जो उस ज़मीन के अंदर हो नहीं सकती थी, या उनका प्रोडक्शन, जैसे एक खेत है, वो कुछ एकड़ की लैंड है, उसके अंदर हमने देखा कि यार इसमें इतनी खेती हो सकती है, लेकिन उस किसान ने
उस जगह के उत्पादन को, प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ा दिया। तो ऐसे किसानों को जो है नोटिफाइड किया जाएगा और उनको अवार्ड मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कैश अवार्ड मिलेगा। कितना मिलेगा? अगर वो फर्स्ट प्राइज पाता है, पहले स्थान पर आता है, तो ऐसे एक किसान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेकंड प्राइज पाता है, सेकंड अवार्ड आता है, तो सेकंड अवार्ड में 2 लोग को मिलेगा ये, ठीक है, कितना का? 3-3 लाख का। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड अवार्ड के अंदर ये है कि 5 किसानों को हम 1-1 लाख का देंगे। तो पहला अवार्ड 5 लाख का, दूसरा अवार्ड 2 लोग को और कितने का? 3-3 लाख का, और जो तीसरा होगा वो 1-1 लाख का 5 लोग को मिलेगा। और फिर इसी तरीके से बताया गया है कि इनके अलावा 100 ऐसे और किसानों को चुनेंगे जिन्होंने भी प्रगति की है खेत के अंतर्गत और साइंटिफिक इनोवेशन को अपनाया, और उन लोगों को हम कितना अमाउंट देंगे? 5,000 का। तो 5,000 का अवार्ड उनको मिलेगा। तो ये कुछ प्रोग्रेसिव थे। तो सरकार ने कहा सभी डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कि आप अपनी रिपोर्ट दो, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन किसान अच्छा कर रहा है, उन सब की, सभी डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट इकट्ठा की, और इकट्ठा करने के बाद फिर उनको अवार्ड के लिए बुलाया गया। तो ऐसे किसान हैं, ये ध्यान रखना, जिनके पास 5 एकड़ की ज़मीन और 10 एकड़ से कम की ज़मीन हो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बताया गया है कि 100 प्रोग्रेसिव जो किसान है, 100 प्रगतिशील किसान जो है, उनको 5,000 रुपये दिए जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर दी, ठीक है। अब देखो, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुछ करंट अफेयर अब ऐसे हैं जो मैं आपको थोड़ा सा ओरली बता देता हूं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। वो इतना आपके काम की है नहीं, वो नोट्स वगैरह के अंदर मिल जाएगी। तो एक तो किसानों को लेकर जो जो अपनी योजनाएं हैं, स्कीम्स वगैरह है, उसको लेकर हमने बात कर ली, चाहे वो प्रगतिशील किसान योजना हो, चाहे वो सम्मान योजना हो। अब मैं एक चीज इसमें और बता देता हूँ, इस प्रगतिशील किसान या सम्मान योजना के अंदर। अब कुछ किसान ऐसे हैं, ये इसको भी न्यूज मान के चलो आप, कुछ किसान ऐसे हैं जो उतनी प्रगति नहीं कर पा रहे और उनके पास उपलब्ध संसाधन भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है। तो ऐसों के लिए सरकार ने क्या कर रखा है, इसी योजना के तहत ये कहा गया है कि भाई आपको हम ट्रेनिंग देंगे, प्रगतिशील किसान ट्रेनिंग योजना। एक और नाम है, कौन सा? प्रगतिशील किसान प्रशिक्षण योजना। तो इसके अंदर क्या होगा, किसानों को चुना जाएगा और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनको भी बढ़ावा मिले। तो जो फार्म बिल आए हैं उनको, उनकी वजह से भी अगर किसान परेशान है और यहाँ पर किसान और सरकार के बीच में दूरियाँ बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों को जो योजना का लाभ नहीं उठा पाए, जिनको एक अवार्ड नहीं मिल पाया और जो वाकई में अच्छा कर सकते, अच्छा रखने की काबिलियत रखते हैं, तो उनके लिए प्रगतिशील किसान प्रशिक्षण योजना आती है। तो सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम तो हमने पहले ही चला रखी है, उसके अलावा भी हमने किसान सम्मान निधि योजना चला रखी है, और भी जो हमने जो है एग्रीकल्चर ई सर्विसेज उसके अंदर चला रखी है, हमने बहुत सारी स्कीम्स हरियाणा सरकार की चल रही है। इस योजना के अंदर होगा कि किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आपको इस तरीके की फसलें बोनी है, इसके अंदर ये डेवलपमेंट करना है, इस तरीके का पानी, मतलब पानी का गैप इतना होना चाहिए, सारी जानकारी इसके अंतर्गत दी जाएगी। तो प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा ताकि वो भी प्रोत्साहित हो किसके अंदर, अवार्ड के अंदर। तो ये अपनी कुछ न्यूज़ थी। एक छोटी सी न्यूज़ और मैं बता देता हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आपके साथ चर्चा करनी चाहिए। इसी टाइम पे क्या है कि जैसे लास्ट क्लास के अंदर मैंने बात की थी कि पानीपत के अंदर जेल रेडियो स्थापित हुआ और अफगानिस्तान के जो कैदी है वो पहले रेडियो जॉकी बने उसके अंदर। पानीपत के बाद यहां पर हरियाणा का तीसरा रेडियो, जेल रेडियो भी स्थापित हुआ है। पानीपत के बाद फिर एक फरीदाबाद के अंदर बना, दूसरा कहां पर बना? फरीदाबाद के अंदर बना। फिर एक जेल रेडियो और बनाया है, तीसरा जेल रेडियो है वो बना है कहां पर? अंबाला के अंदर। तो अभी हरियाणा के अंदर
तीन जेल रेडियो हो गए, एक तो फरीदाबाद में, एक पानीपत के अंदर, और फरवरी मंथ के अंदर किसमें बनाया, अंबाला के अंदर। और ये तीनों जेल रेडियो, बता देता हूँ, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किस फाउंडेशन ने बनाया है, तिनका तिनका, किसने इसको इनकरेज किया है, तिनका तिनका फाउंडेशन। तो इस तिनका तिनका फाउंडेशन के द्वारा ये किया गया है। फिर एक यहाँ पर पंचायत को लेकर एक और न्यूज़ रही है, और वो न्यूज़ कौन सी रही है, जो सेक्शन 134 था पंचायत का, पंचायती राज एक्ट का 134 सेक्शन था। उसमें क्या होता था, मैं आपको थोड़ा सा पंचायत के बारे में बता देता हूँ। क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई गांव का सरपंच है और उस सरपंच को गांव के अंदर कुछ विकास करना है, तो वो क्या करता था कि मान लो नाली का विकास करना है गांव में, पक्की सड़क बनानी है, गांव में लाइटें लगवानी है, तो उसके लिए वो एक टेंडर को पकड़ता था। वो उसका जीजा हो सकता था, उसका साला हो सकता था, उसका रिश्तेदार हो सकता था, और जब वो जिस खास को पकड़ता था, ये इनडायरेक्टली किसी को पकड़ता था, तो वहां पर करप्शन जैसी चीजें दिखाई देती थी। अब वहां पर क्या कर दिया कि अब जो सरपंच होगा वो टेंडर तो ले सकता है, वहां पर अपने तरफ से खर्च तो कर सकता है 5 लाख रुपए तक का, लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा, ई टेंडर निकालना पड़ेगा। मतलब जो ये भाई भतीजा और नेपोटिज्म वगैरह या फिर करप्शन जैसी चीजें थी वो खत्म हो जाएगी, कि ठीक है आपको 5 लाख का काम करना है इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर, आपको टेंडर निकालना पड़ेगा, सरकार ई टेंडर निकालेगी, ऑनलाइन टेंडर होगा, और ऑनलाइन टेंडर में जिसका नाम आएगा वो वहां पर काम करेगा। ठीक है, तो इस तर्ज पर पंचायत के ने ये कदम उठाया है, और यहाँ पर ग्राम पंचायत को ये शक्ति दे दी गई है कि आप अपने लेवल पर अब खर्च कर सकते हो 5 लाख रुपए तक। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ रही है किसके अंदर, अपनी फेब मंथ के अंदर। और कुछ बेसिक बेसिक छोटी छोटी न्यूज़ है अपॉइंटमेंट वगैरह को लेकर, वो नोट्स वगैरह में आपको वैसे मिल जाएगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ओवर करता हूँ, चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।